मैं सरदार जवाहर सिंह जिक्माबाद से आज लाहौर शहर में भाई असलम परवेज के साथ खड़ा हूँ और मसीह मिलत पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। और हम हिंदू भाई, सिख भाई और मसीह भाई, मसीह बिरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा कि मसीह मिलत पार्टी में शमूलियत का ऐलान करें ताकि हमारे हाथ मजबूत हो जाए। हम अब भी हकूक की बात करते हैं, अगर आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएंगे मसीह मिलत पार्टी में तो हमारे हाथ और मजबूत हो जाएंगे और जो है हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बात करने में आसानी होगी। और हम ये बोलना चाह रहे आज पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से भी लिखे छुपे नहीं हैं, सबको मालूम है कि अकलियतों के साथ क्या हो रहा है, जो जुल्म किया जा रहा है अकलियतों के ऊपर पूरी दुनिया को मालूम है। जलियांवाला में क्या हुआ पूरी दुनिया को मालूम है, कभी मंदिरों के नाम पर, कभी गिरजाघर के नाम पर, कभी गुरुद्वारों के नाम पर, सबको मालूम है कि किस तरह की साजिशें चल रही है। कभी हमारी छोटी छोटी बच्चियां 12-12 साल की बच्चियां जबरदस्ती जो है ना उसको उठाकर उसका मजहब चेंज कर उसके साथ शादियां की जाती है, उसको कोर्ट में घसीटा जाता है। हम बोल रहे हैं अब ये जो दौर चल रहा है इस दौर में, इस खतरनाक दौर में जो है ना हमें सिख भाइयों को, मसीह बरादरी को, हिंदू भाइयों को इकट्ठा होना पड़ेगा ताकि हम हालात का मुकाबला कर सके। ये सिर्फ हमारी पार्टी की जीत नहीं होगी, ये पूरी इंसानियत की जीत होगी। हम चाह रहे हैं कि हमारा साथ बने और हकूक की बात करें और पाकिस्तान में जो हम हकूक की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। हम चाह रहे हैं किसी भी इंसानियत इंसान के साथ यहां पर जो है नाजायजी न होए और हमारे प्यारे पाकिस्तान का नाम ऐसे रोशन होए कि बोले कि दुनिया में जो है ना हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम जो है ना पूरी दुनिया में जाना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने भाइयों को बोल रहे हैं कि हमारा साथ दो जी। मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। मैं पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी की तरफ से जनाब सरदार जौहर सिंह साहब को पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करता हूं, उन्हें खुशामदीद कहता हूं और मैं तवक्को करता हूं कि सरदार जौहर सिंह के पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी में शमूलियत के बाद अब हमारी जद्दोजहद और मजबूत तरीका से आगे बढ़ेगी। हम मिलकर पाकिस्तान में पसमांदगी का शिकार हिंदुओं, सिखों, मसीहों समेत तमाम उन तबकात के लिए आवाज बुलंद करेंगे, उन तबकात के लिए जद्दोजहद करेंगे। हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि मुल्क में हमारे बुनियादी हकूक जो है वो हमें मसावी हकूक नहीं मिल रहे। अब जरूरत है कि तमाम मसीही, हिंदू, सिख मसीहा मिल्लत पार्टी में शामिल हों और हम सब मिलकर अपने बुनियादी हकूक की बहाली के लिए जद्दोजहद को तेज करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।